वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फाफड़ा की रेसिपी। सबको लगता है कि फाफड़ा बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फाफड़ा बनाना बहुत आसान है। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट बातों का, जो कि आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फाफड़ा बनाने के लिए हम ले लेंगे इस तरह का एक बड़ा बर्तन, आप चाहें तो बाउल या थाली भी ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप बेसन, लगभग 200 ग्राम बेसन लिया है। इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार, साथ ही ऐड करेंगे हल्दी और ऐड करेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। अब लेंगे 2 टीस्पून अजवाइन, इसे इस तरह से रब करते हुए हम इस बेसन में ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मोयम, तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल रहे हैं। इसे गूंथने के लिए पानी ले लिया है हमने, बेसन बहुत जल्दी गूंथ जाता है, इसमें से हमने 4 से 5 बड़े चम्मच पानी ही ऐड करना है। इसे गूंथने से पहले हम सभी चीज़ों को मिला लेंगे और इसकी मुट्ठी बना के देखेंगे, अगर इस तरह से शेप होल्ड करता है यानी कि इसका मोयम परफेक्ट है। आइए अब धीरे धीरे इसमें पानी डाल के इसे गूंथना चालू करते हैं। बेसन को गूंथने से ये बहुत चिपचिपा हो जाता है और ये हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो इसे गूंथने के बाद जब इस तरह से बॉल बनने लगेगी तब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो इस तरह से इसकी बॉल बन रही है, अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। तेल डालने के बाद हम इसे फिर से गूंथेंगे जिससे कि चिकना हो जाए और हाथों में चिपकना बंद हो जाए। तो हमने इसमें 2 बड़े चम्मच तेल और 1 छोटा चम्मच तेल डाला था, तो इस तरह से इसका डो बिल्कुल तैयार हो गया है। फाफड़ा का डो रोटी के डो से थोड़ा टाइट और पूड़ी के डो से थोड़ा सा सॉफ्ट गूंथ कर तैयार करना है। डो बन चुका है, आइए आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो इस डो से हम बना लेंगे छोटे छोटे साइज की बॉल्स। तो इस तरह से आपको सारे डो की बॉल बनाकर एक बार तैयार करनी है। अब एक थाली ले लेंगे, आप चाहें तो चकला ले सकते हैं, आप चाहें तो किचन के सरफेस पे ही बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ थाली ली है। जब भी लोग फाफड़ा बनाते हैं तो इसे इस तरह से लंबा करते हैं और उसके बाद इसे हाथों से फैला देते हैं। हाथों से फैलाने से इसका किनारा मोटा रह जाता है, जो कि कुरकुरा नहीं बनता और आपके फाफड़े सॉफ्ट बनते हैं। दूसरी चीज़, जब भी फाफड़े को आप स्क्रेप करके निकालेंगे तो चाकू को इस तरह से टेढ़ा ना रखें, अगर आप टेढ़ा रखेंगे तो फाफड़ा बीच में से क्रैक हो जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ टेढ़ा चाकू रखने से क्या होता है। तो ये फाफड़ा है, मैं इसे इस तरह से चाकू को टेढ़ा करके निकाल रही हूँ। ऐसे स्क्रेप करने से फाफड़ा सिकुड़ रहा है, इसका साइज छोटा हो रहा है और ये बीच में से क्रैक भी हो रहे हैं। तो आइए अब सही तरीके से फाफड़ा बनाना देखते हैं। तो सबसे पहले थाली को क्लीन कर देंगे, जो हमने बॉल बनाई थी उसे इस तरह से लंबा कर देंगे। इसके बाद ये जो इस फाफड़े का सिरा है इस पे हम हाथों के इस वाले हिस्से से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से ये पहले ही यहाँ से फ्लैट हो जाएगा। अब हम इसी प्लेस पे हाथ को रखते हुए आगे की तरफ प्रेशर देते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे। फाफड़े को फैलाने के लिए पूरी हथेली का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो ये फाफड़ा बिल्कुल थिन बना है, बिल्कुल अच्छे से फैल गया है। जो एक्स्ट्रा बेसन है वो इस तरह से आपके हाथों में ही रह जाएगा। इसे चाकू से निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं इस फाफड़े में कोई भी क्रैक नहीं है। चाकू को बिल्कुल सीधा रखा हमने और एक बार में इस फाफड़े को स्क्रेप कर लिया, तो ये बहुत ही आसानी से स्क्रेप भी हो गया है। तो हमारा फाफड़ा तैयार हो गया है, इसी तरह से बाकी फाफड़ों को भी तैयार कर लेंगे। एक फाफड़ा बनाने के बाद चाकू से थाली को क्लीन ज़रूर कर लें और बार बार अपने हाथों को भी साफ करते रहें। फाफड़ा बनाने के पहले इन बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपका फाफड़ा बहुत अच्छा बनेगा। याद रहे, फाफड़ा बनाने के लिए थाली को ग्रीस करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो एक एक फाफड़ा डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के इसे तल सकते हैं, चाहें तो आप इसे मेरी तरह इस तरह से सारे बना के एक साथ तलें। तो मैं इसे पैन में तल रही हूँ। पैन में हमने डाल लिया है रिफाइंड ऑयल डीप फ्राई के लिए। कढ़ाई में इसका शेप खराब हो जाएगा तो हमने पैन लिया है। तो पहले फुल फ्लेम करके तेल को पूरी तरह से गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। टेम्परेचर चेक करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा बेसन डाला है, तो बेसन ऊपर आ गया है, इसका टेम्परेचर अच्छा हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके अपने फाफड़े डाल देंगे। तो अभी स्टार्टिंग का बैच है तो मैं एक साथ सिर्फ 2 ही फाफड़ों को तलूंगी। फाफड़े को ऐड करते ही ये तेल में ऊपर आ गया है, ये एकदम परफेक्ट बना है, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और जब इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे तो हम इसे हल्के हाथों से पलट देंगे। दोनों साइड से हम इसे 2-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो याद रहे, फाफड़े को तलने के लिए फ्लेम को हमेशा मीडियम लो पर ही रखें और इसे बिल्कुल डार्क ब्राउन ना करें या हल्का येलो ही रहना चाहिए। तो हमारा फाफड़ा रेडी हो गया है, इसे हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हम बाकी के फाफड़ों को भी तल लेंगे। इन्हें मीडियम हॉट ऑयल में डालें, दोनों साइड से 2-2 मिनट तक फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो इतनी आसानी से फाफड़ा बनकर तैयार हो गया है, इसे आप जलेबी के साथ खाएं। जलेबी की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
तो हमारे तो प्लेट भर के फाफड़े रेडी हो गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्रंची बने हैं, आप देख सकते हैं कितने खस्ता हैं और कितने क्रंची है। ये बिल्कुल आसानी से चूर चूर हो गए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।